छठ पूजा का पर्व का समय आते ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नगर परिषद और हो या जिला प्रशासन हो, उसकी अहम भूमिका देखने को मिलती है कि छठ घाटों की साफ सफाई को लेकर। अभी हम मौजूद हैं जिस स्थल पे, वो बंद तालाब है और बंद तालाब की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंद तालाब की स्थिति अमूमन बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन हर काम को केवल खानापूर्ति के रूप में देखता है। अगर ये दायित्व प्रशासन के पास पहले से होता तो इसकी साफ सफाई काम एक सप्ताह पहले नहीं, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले से होनी चाहिए। लेकिन अब छठ को महज 2-4 दिन बचा हुआ है, उसके बाद प्रशासन की ओर से जो पहल की जा रही है उसको बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। हालांकि नगर परिषद के कर्मी है, वो शहर की साफ सफाई करने के साथ ही साथ इसकी भी साफ सफाई की जवाबदेही लेते हैं और साफ सफाई करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि छठ का पर्व केवल नगर परिषद के लिए नहीं होता है, ये जवाबदेही हमेशा नगर परिषद की ओर दे दी जाती है, लेकिन ये पर्व पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर होनी चाहिए। हमारे साथ नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं इसकी बताइए क्या कर रहे हैं और आप लोग कब तक ये सफाई हो जाएगा? 2-3 दिन में हो जाएगा सर। हाँ, कितना स्टाफ लगाए हैं, कैसे क्या हो रहा है? आज 5 को स्टाफ लगाए हैं सर, आज से तो लगाए हैं सर, दिवाली में उधर फंस गए थे, दिवाली वाला काम करवा रहे थे, उसके बाद दशहरा करवा रहे थे, दिवाली करवाए, उसके बाद भी छठ तालाब लगाए। यानी पूरा शहर की साफ सफाई की जिम्मेवारी आप लोग होता है? जी सर। स्टाफ कम होने से दिक्कत होता है? जी स्टाफ कम होने से दिक्कत होता है सर, लेकिन आप लोग कर लेंगे सफाई? कर लेंगे सर। क्या स्थिति है तालाब की? अभी तो खराब ही स्थिति है सर। क्या क्या करेंगे आप इसमें? इसमें पूरा घास फूस कटवाएंगे, सीढ़ी उड़ी साफ करवाएंगे सर। और अंदर भी साफ करवाएंगे? अंदर अंदर तो ऐसा नहीं है सर, फिर अंदर भी है, फिर भी करवाएंगे, साफ करवाया जाएगा। जी सर। तो ऐसे में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि नगर परिषद के कर्मचारियों की ओर से पहल की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की भूमिका बहुत बेहतर नजर नहीं आती है। जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी इसका विजिट करने आते हैं और वो विजिट हम कह सकते हैं कि महज फोटो खिंचवाने भर रह जाता है। केवल प्रशासनिक पदाधिकारी ये दिखाना चाहते हैं कि हम गंभीर हैं, लेकिन गंभीरता तब दिखने को मिलती है जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, ये लोग नियमित रूप से इसकी साफ सफाई करते हैं। बताइए आप लोग कब से करते आ रहे हैं और कैसे करते हैं? 2000 ईस्वी से करते आ रहे हैं। यहाँ पूरा लाइट साउंड साफ सुथरा जो भी काम है, प्रसाद बांटना, दूध बांटना, हर काम हम लोग। नहीं, छठ में शुद्धता की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई बहुत व्यवस्था होना। तो क्या लगता है प्रशासन की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो तो नहीं हो पाता है? तो हल्का फुल्का होता और फिर तो होता भी नहीं है बहुत। अब क्या बोले हम, देखिए रहे हैं अभी आप लोग कि क्या साफ सुथरा हुआ। नगर परिषद कर रहा है लेकिन और अधिक स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए और बहुत स्पीड होना चाहिए, यानी कि 10-15 दिन पहले से काम शुरू होना चाहिए यहाँ, लेकिन नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, परेशानी होती है? परेशानी तो होती है जरूर। और सीढ़ी उड़ी बहुत टूटा हुआ है लेकिन उसका हमें कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा। हम लोग हर साल बोलते हैं सीढ़ी बनवाया जाए, टूटा फूटा रिपेयरिंग किया जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप कसेरा है। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले आपको हमने नागफिनी की तस्वीर दिखाई थी। नागफिनी वो स्थल है जहाँ पर कोयल नदी का बहाव होता है और अमूमन लोग बहुत लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वही लोग जा पाते हैं जिसके पास 4-व्हीलर गाड़ी है। और ये जो बंद तालाब है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन छठ का जो पहला अर्घ होगा या फिर दूसरा अर्घ होगा उस दौरान जो यहाँ भीड़ देखने को मिलेगी तो आप भी अद्भुत आश्चर्य में हो जाएंगे कि बिहार झारखंड की जो ये परंपरा है, खासकर बिहार और यूपी से चली ये छठ की जो परंपरा है, वो झारखंड जैसे आदिवासी बहुल इलाके में भी बहुत अधिक लोग छठ पर्व में शामिल होते हैं और छठी मैया का आशीर्वाद लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शुद्धता को लेकर जो दावे किए जाते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी मीटिंग करते हैं, ये जिला प्रशासन की ओर से मीटिंग की जाती है, उसमें यह दावा किया जाता है सभी छठ घाटों को बेहतर कर लिया जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें जो सामने आ रही है वो निश्चित रूप से ये बात दर्शाने को पर्याप्त है कि प्रशासनिक जो दावे हैं वो महज चेंबर में बंद होकर रह जाती है, कागजों पर सिमट होकर रह जाती है, कमेटी बनती है, समिति बनती है, प्रोसीडिंग तैयार होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए वो नजर नहीं आ पाता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।